हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हर रोज़ की तरह मैं आज भी नो कॉन्टैक्ट का रीडिंग लेके आई हूँ। रीडिंग टाइमलेस है गाइस, जब भी आपके सामने आ रहा है आप देख सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी इसको देख सकता है। सिंगल, मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्स हुई, तो सबके लिए ओपन है। सारे रिलीजन के लोग, सारे कास्ट कल्चर के लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ एंसल गाइड मी। मेरे व्यूअर्स जो लोग भी नो कॉन्टैक्ट में है, लेस कॉन्टैक्ट में है, ब्लॉक या फिर ब्रेकअप सिचुएशन में है, उनके पर्सन की करेंट फीलिंग्स क्या है, राइट नाउ क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के लव्ड वन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स, प्लीज एंसल गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग्स। आपके पर्सन एक डिसीजन लेना चाहते हैं। यस, मेजर मेजर डिसीजन होगा यहाँ पर। जजमेंट के साथ जस्टिस कार्ड। अगर इतना टाइम आपके पर्सन कंफ्यूज थे, किसी दो राहे पे थे, कोई भी सही रास्ता वो ढूंढ नहीं पा रहे थे, इमोशनल थे, इमोशनली डील कर रहे थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन एक डिसीजन लेंगे न्यू बिगनिंग को लेके आने के लिए, न्यू बिगनिंग करने के लिए, क्लैरिटी लेके आने के लिए। इस कार्ड में देखिए टू सोर्स है और यहाँ पर एक सोर्स है, मतलब दो चॉइसेस में से किसी एक चॉइस को आपके पर्सन चुनने वाले हैं। जजमेंट विद द जस्टिस, मेजर डिसीजन लेने वाले हैं यहाँ पर आपके पर्सन। इमोशनल भी है, ओके, लेकिन यहाँ पर कितना भी वो इमोशनल क्यों ना हो, एक डिसीजन वो लेंगे ज़रूर। माय गॉड, यहाँ से भी एस ऑफ वैंस, यहाँ से एस ऑफ सोर्स, बॉटम से व्हील ऑफ फॉर्चून, मेजर चेंज आएगा, मेजर चेंज। दिस इज द टर्निंग कह सकते हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून के साथ जजमेंट, जस्टिस, मेजर कर्मा रिलीज भी कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी कार्मिक बंधन में थे आपके पर्सन, तो वहां से वो बाहर आ रहे हैं। कैसा जजमेंट? न्यू बिगिनिंग, तीनों न्यू बिगिनिंग के कार्ड आ चुके हैं यहाँ पर। एक रूट डिसीजन लेने वाले हैं आपके पर्सन, इमोशनली डील नहीं करेंगे। जस्टिस कार्ड, कैसा न्याय होगा, किसके साथ न्याय होगा। मूविंग ऑन, किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर जाएंगे आपके पर्सन। यस, जैसे कि मैंने कहा, अगर कोई दो चॉइस था, जगलिंग सिचुएशन थे, बैलेंस बना के चल रहे थे, कॉम्प्रोमाइज करके चल रहे थे, तो यहाँ पर आपके पर्सन मूव ऑन कर जाएंगे थर्ड पार्टी सिचुएशन से। टू ऑफ सोर्स क्यों आए हैं यहाँ पर, गाइड करें एंजल। टू ऑफ सोर्स, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन में आया है टावर। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी फैमिली हो सकते हैं। आपके पर्सन सच्चे दिल से जिसको चाहते हैं, जिसको प्यार करते हैं, उनको चुनेंगे, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर आप अपनी हस्बैंड वाइफ के लिए देख रहे हो, आपके बच्चे हैं, ऐसा भी हो सकता है। जो लोग सिंगल हो, यहाँ पर आपके पर्सन आपके साथ ही हैप्पी फैमिली चाहते हैं, डे ड्रीम कर रहे हैं। मून कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, यस, किसी के साथ झगड़ा हो रहा है और वो झगड़ा एंडिंग वाला झगड़ा नहीं है। झगड़ा होते हैं, पोस्टपोन हो जाता है, रिजॉल्व नहीं होता है प्रॉब्लम, फिर से झगड़ा होते हैं। तो इसीलिए आपके पर्सन जो है खुद के लिए प्रोटेक्टेड हो रहे हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं खुद के लिए, किसी भी हाल में वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये सब सोर्स कार्ड क्यों आए हैं, ये सब सोर्स कार्ड क्यों आए हैं यहाँ पर, यस, जिनके साथ भी उनका झगड़ा हो रहा है, वहाँ पर वो एक पावरफुल डिसीजन लेंगे। अगर इतने टाइम वो वेट कर रहे थे किसी चीज़ के लिए, तो उस हैंग्ड सिचुएशन से बाहर आएंगे आपके पर्सन और एक न्यू बिगिनिंग होगा, ठीक है। जो भी उन्होंने प्लानिंग कर रहे थे, बहुत टाइम ले रहे थे, होगा आज होगा कल होगा परसों होगा तरसों होगा, तो यहाँ पर वो एक न्यू बिगिनिंग से रिलेटेड डिसीजन लेंगे। साइन सारे हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरिस, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। एरिस स्ट्रांग है, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, लिब्रा स्ट्रांग है, पाइसिस स्ट्रांग है, ठीक है, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। व्हील ऑफ फॉर्चून आया है, मतलब सारे साइन आए हैं, और यहाँ पर सजिटेरियस है, सारे साइन है यहाँ पर, अर्थ साइन, फायर साइन, वाटर साइन, अर्थ साइन, स्कॉर्पियो स्ट्रांग है, मतलब 12 साइंस यहाँ पर प्रेजेंट है। तो आपको अपनी राशि या फिर आपके पर्सन की राशि को लेके टेंशन करने की जरूरत नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या लेंगे आपके पर्सन इस रिश्ते में। प्लीज एंसर गाइड करें नेक्स्ट एक्शन क्या होगा इस रिश्ते में। कब तक न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे,
कब तक क्लियरिटी मिल जाएंगे? होप, आपको होपफुल रहना है, पॉजिटिव रहनी है। कब तक न्यू बिगिनिंग हो जाएंगे? 17 to 8 days के अंदर, ठीक है। कुछ लोग के लाइफ में न्यू बिगिनिंग होने वाले हैं, पॉजिटिवली आपका रिश्ता आगे बढ़ेगा। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड विद द ट्रम्प, आपके पर्सन आपके तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अवेयरनेस, उनको नॉलेज मिल चुका है कि उनको क्या करना है। इमोशनली विड्रॉल कर रहे हैं सारी सिचुएशन से, और यहाँ पर लव लाइफ को लेके प्लानिंग कर रहे हैं आपके पर्सन। पेशेंस रखे हुए हैं, न्यू बिगिनिंग की वाइब्रेशन काफ़ी स्ट्रांग है। ज़्यादातर लोगों के लाइफ में अगर ब्रेकअप सिचुएशन था, आपके पर्सन कुछ टाइम से डिस्कनेक्ट थे, बात नहीं कर रहे थे, चुप्पी मार के बैठे थे, 4 days से लेकर 4 months तक ब्रेकअप सिचुएशन था, तो यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होगा। देखिए 111 की एनर्जी है, तो डेफिनेटली न्यू बिगिनिंग होगा यहाँ पर। और वैसे भी 12 पोर्टल आ रहा है जो कि कंप्लीशन को दिखाते हैं। एक साइकिल एंडिंग है पूरी तरीके से और एक न्यू बिगिनिंग, तो डेफिनेटली यहाँ पर स्पिरिचुअल यूनियन होने वाले हैं। लव बिगिंस का कार्ड है, आप दोनों के बीच प्यार फिर से रिस्टार्ट होगा और आप दोनों रीयूनाइटेड हो जाओगे। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, क्लेम करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि आपकी एनर्जी शेयर हो पाए, मेरे यहाँ तक आ पाए, ताकि अगला जो प्रेडिक्शन हो आपसे 100% रिजल्ट हो, उनका रिजल्ट भी आपको 100% दिखे। मैजिकल ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपकी तरफ। मैंने अभी तक सफल नहीं किया, मतलब क्लींजिंग नहीं किया। प्रोटेक्ट योर ड्रीम्स, जो भी आप सपना देख रहे हो उनको प्रोटेक्ट करें, सबको ना बोले, ठीक है। नाइट में या फिर ऐसे भी जो भी आपका विशेस है, डे ड्रीम आप कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, वो सबके सामने ना बोले, किसी के भी सामने ना बोले, अगर पॉजिटिव ड्रीम्स है तो। गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? बहुत सारे अनफोल्ड हुए हैं, पहले जो एक कार्ड आया है उसको लेंगे। विस्डम, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाले हैं किसी ना किसी तरीके से, तो उनको रिसीव करें। लुक इन द बुक, बुक में आप लोग थोड़ा ताकझक करें, वहाँ से आपको काफ़ी नॉलेज मिलने वाले हैं। आप लोग फॉरेस्ट जा सकते हैं, नेचर के करीब रह सकते हैं, ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। हिडन डेप्थ्स, आपके अंदर जो भी हिडन चीज़ें हैं, दुख तकलीफ है, वो बाहर आ सकते हैं। खुद की इनर चाइल्ड को नर्चर करें, प्यार करें, जो भी चीज़ें आपको पसंद है वो करें। मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करें इन दिनों। कैसे मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करनी है, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ और एक बार बोल रही हूँ। यूट्यूब पे जाओ और लिखो एंजल ड्रीम 111 टैरोट बाई मैनिफेस्ट टेक्निक, एंजल ड्रीम 111 टैरोट बाई मैनिफेस्ट टेक्निक, तो ये सर्च करो, आपको मिल जाएगा मेरा वीडियो। वहाँ पर बहुत सारी मैंने टेक्निक बताया है, उसको आप फॉलो करें, डेफिनेटली रिजल्ट दिखेगा। फिलहाल टाटा, टेक केयर योर सेल्फ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।